कैसे हैं आप लोग। मैं रेनु पांडे एंड वेलकम बैक टू कुकिंग विद मस्ती में वेयर कुकिंग इज फन। सो फ्रेंड, दिस इज माय अनदर वीडियो ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। लास्ट आपने अपने आपको मिरर में देखे कब कहा था, अरे वाह आज तो हम बहुत बढ़िया लग रहे हैं। रुकिए मैं बताती हूँ आपको कि आपने क्या कहा होगा, अरे यार मेरे बाल पतले हो गए हैं, मेरे फेस पे फिर से पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए, यार कैसे मैं फिर से मोटी हो चुकी हूँ। ये सब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मिरर में देख के। यही ना, आप सच्ची बताइए मुझे, आप यही सब सोचते होंगे ना। ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, बट हम यही एग्जैक्टली करते हैं। चाहे वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस हो गई, चाहे वो करियर वाइज हो गया, अगर हम मैरिड हैं तो वो हमारे हस्बैंड से रिलेटेड हो गया या हमारे बच्चों से रिलेटेड हो गया, हम सबसे कंपैरिजन करने लगते हैं। अरे यार उसका बच्चा आगे निकल जा रहा है, मेरे हस्बैंड वैसे नहीं है, या मेरी फाइनेंशियल स्टेटस वैसी नहीं, या मैं करियर वाइज उस तरीके से सक्सेस नहीं हूँ जैसे मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स हैं। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो कॉन्स्टेंट आपके कंपैरिजन है और इनसिक्योरिटी है, इसे यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये कहना तो बहुत आसान है, बट फ्रेंड्स बिलीव मी ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये जो इनसिक्योरिटी है, जिसका रीजन है सोशल मीडिया, क्योंकि हम ऑल टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सेलिब्रेशन के पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, कहीं आउटिंग पे गए तो वहां के पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, अगर उनका कुछ प्रमोशन वगैरह हुआ तो उसके पिक्चर पोस्ट हुए। तो आप अपने माइंड में एक बात ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स या रिलेटिव चाहे जो भी पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, वो जो उनके हैप्पी मोमेंट्स है उसकी पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। अब आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव अपने अनहैप्पी मोमेंट्स या उनके लाइफ में जो भी सैडनेस चल रही है उसके तो पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने वाले नहीं है, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। तो आप इस मिथ में मत रहिए कि सबके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। सो सबसे पहले स्टेप वन में मैं आपसे यही कहूंगी कि आप सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए, क्योंकि इट इज हार्मफुल। स्टेप टू में मैं आपसे यही कहूंगी कि आप किसी का वेट मत करिए कि कोई आके आपको समझाए या आप इनमें आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको कम करे। आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटर बनिए। आप जाइए मिरर के सामने खड़े रहिए और खुद ही बोलिए कि अरे यार मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो गया, चाहे वो लुक वाइज हो गया, चाहे वो करियर वाइज हो गया, या चाहे फैमिली वाइज हो गया। जिस दिन आप मिरर के सामने खड़े होकर ये सारी बातें खुद से करने लगेंगे, आप खुद ही देखिएगा कि आपको अपने आप से प्यार होने लगेगा, आपके लाइफ में जितनी भी कमी थी वो खुशी में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देने लगेगी जो आप अभी तक नहीं देख रहे हैं। सबसे फाइनल स्टेप मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सेल्फ लव जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं जो आज है कल नहीं है, ये जब तक हम है तब तक हमारे साथ ही रहेगा। तो आप ऐसे मत सोचिए कि कौन यार कंटिन्यू मिरर के सामने खड़े रह के खुद से बातें करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मिरर के सामने खड़े होके 15-20 मिनट अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में लग सकते हैं, तो एटलीस्ट 2-3 मिनट निकाल सकते हैं जिसमें आप खुद से अपने आप से बातें कर सके। जिस दिन से आपने ये चीजें स्टार्ट कर दी, देखिए आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस नजर आने लगेंगे। अगर आपको मेरी ये मिरर वाली जो टॉपिक है अगर वो आपको नहीं पसंद आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए, सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज कीजिए, वीडियो पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, वो देखिए आप, वो देखने से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एफर्मेशन कीजिए, ये सारी चीजें हैं जो आपको आपके अंदर की पॉजिटिविटी एनर्जी जो है उसको जिंदा रख सकती है, तो आप ये सब जरूर कीजिए। एड लाइफ टू योर डेज, नॉट डेज टू योर लाइफ। सो मैं आपसे यही कहूंगी कि हमारी लाइफ वैसे ही बहुत छोटी है, तो इसे जितना जी सकते हैं उतना जिए, ना कि दूसरों से अपने आप को सिर्फ कंपेयर करने में अपनी लाइफ खत्म कर दें। अगर आपको चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे आपसे और डिस्कस करूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लीज कीप गोइंग ऑन। सो अपने लाइफ की इनसिक्योरिटी खत्म कीजिए, जैसी भी लाइफ मिली है उसमें खुश रहिए। रोज मॉर्निंग में उठिए, लंबी सांस लीजिए और मिरर में एक बार जरूर अपने आप को देख के कहिए माय लाइफ इज वेरी ऑसम। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।